हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल डीमन एक्स एंजल कांटेक्ट के एपिसोड नंबर 42 के साथ आ चुका हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में आपसे भी नहीं दिखा था कि जिन की पूछ पकड़ ली थी जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, और जिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव की मतलब सेंसिटिव का पार्ट पकड़ लिया था तो उसका जो शरीर था मतलब पूरा पूरा रिएक्ट कर गया था और बहुत ज्यादा ऑसम लग रहा था। तो वहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। और एपिसोड की स्टार्टिंग ही वहीं से होती है जहाँ पर खत्म हुई थी। तभी जो ये नया बोल रही होती है कि नहीं, यहाँ पर नहीं, मेरी पूछ बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसे मत छुओ। लेकिन सनशाइन मान नहीं रही होती है। वो बार बार इसकी पूछ छू रही होती है, जिसके कारण कितना मजेदार दिख रही होती है उस टाइम पर रेन। और तभी सनशाइन उससे अपना हाथ हटाती है और बोलती है, नहीं सॉरी, मुझे माफ कर देना, ये मेरा ऐसा कुछ करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। और वो सोचने लगती है और एकदम से शांत हो जाती है कि उसने अभी एक डीमन की पूंछ को छुआ था। और उसे छूने के बाद ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है और इसकी आंखें चमकने लगती हैं, चमक। और तभी जिया आता है। जिया सनशाइन से कहता है, गुड वर्क जिया सनशाइन, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, अच्छे से तुमने पूंछ पकड़ी, इसकी पूंछ दोबारा से पकड़ो और इसे जाने मत देना। तभी सनशाइन बोलती है, तुम क्या कह रहे हो, अच्छा ठीक है। तभी वो येन की पूंछ फिर से पकड़ लेती है और उसकी पूंछ फिर से टाइट हो जाती है क्योंकि वो उसका सेंसिटिव पार्ट था। कितना ज्यादा कूल लग रहा है। तभी हमें येन को दिखाया जाता है, येन का तो बिल्कुल एरोटिक लगने लगा, बिल्कुल जैसे अब वही रोई दू दू कर देगा। आप लोग सब जैसे देख ही सकते हो ये कितना ज्यादा एरोटिक लग रहा है। और वो एकदम धड़क झाग उठती है इनकी अंदर से जैसे उसकी पूंछ को छूती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मोबाइल, जिया जो मोबाइल निकालता है और उस पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है येन को, जैसे हम लोग देख सकते हैं येन जमीन पर पड़ी हुई होती है एकदम एरोटिक पोज में। और जिया उसे बोलता है, अब तुम्हारे ये एरोटिक पोज कहाँ गए, कहाँ से आया इतना ज़्यादा। और ये एकदम मज़ेदार लग रहा होता है। और जिया जो है इसकी वीडियो बना रहा होता है कि ये कितना ज़्यादा एरोटिक है। और उसे बोलता है, चलो हम एक डील करते हैं। और उसे बोलता है, अगर तुम नहीं चाहते हो जो तुम्हारी सेमलेस फोटो वीडियो है वो वायरल हो जाए तो जल्दी से उस फोटो को डिलीट कर दो, कैसी है ये डील। या फिर तुम ये चूज कर सकते हो, इस वीडियो के जरिए तुम्हारी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तभी जो येन है, येन थोड़ी सी रो रही होती है और उसका फेस बहुत ज्यादा रेड हुआ होता है और बोलता है, तुम कितने ज्यादा घिनौने हो जो तुमने मेरे साथ ये हरकत की। और तभी जिन आता है और उसका होंठ पकड़ लेता और बोलता है, तुम अभी भी कितनी ज्यादा हार्ड हो। और तभी जो सनशाइन है वो उससे बोलती है, हे जिया, तुम बहुत ज्यादा दूर तक जा रहे हो, अब लिमिट क्रॉस मत करो। और तभी जिया भड़क जाता है सनशाइन पर, उस पर चिल्लाते बोलता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, ये सब किसके लिए हो रहा है, किस कारण से ये सब मुझे करना पड़ रहा है, तुम्हें क्या लगता है इसका रीजन क्या है। और बोलता है, यही एक रास्ता बचा है, अगर तुम अच्छा ही करती फिरती नहीं रहती तो ये सब नहीं होता, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। और तुम क्या चाहती हो, तुम्हें यहाँ से उठा के सीधे तुम्हारे घर पर भेज दिया जाए। ये देखकर वो सनशाइन थोड़ी सी शांत हो जाती है और बोलती है, मैं नहीं चाहती। तभी ये उस पर चिल्लाते बोलता है, अगर नहीं चाहती हो तो शांत बैठो, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। और उल्टी सीधी सुनाने लगता है। और ये सुनकर सनशाइन थोड़ी सी डर जाती है और वो शांत हो जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। और तभी जिया उससे बोलता है कि एक डीमन के साथ डील करना डीमन के तरीके से ही उसे करना चाहिए, और कोई भी डीमन को नहीं जानता मुझसे बेटर। अगर तुम्हें वापस नहीं जाना है तो जल्दी से मेरे पास आओ और मेरी मदद करो ताकि मैं इस फोटो को डिलीट कर सकूं। और बोलता है, हम दोनों एक ही नाव के सवारी हैं, समझी कि नहीं समझी। और तभी जो जिया है वो इनसे डीमन वे में बोलता है, जल्दी से अपना आंसर बताओ, तो ये सब थी मेरी कंडीशन, अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो और जल्दी से मुझे आंसर दो, मेरा पेशेंस इन्फिनिट नहीं है, मेरा पेशेंस खत्म हो गया तो मैं इस वीडियो को बारिश कर दूंगा। तभी हमें येन को दिखाया जाता है, येन मासूम सा चेहरा बना रही होती है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। बोलता है, तुम धोखेबाज, तुम गद्दार हो जो तुमने ये सब किया। तभी जिया उससे बोलता है, अच्छा ऐसा लगता है कि ये सब तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तभी सनशाइन से बोलता है, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। तभी सनशाइन बोलती है, अच्छा ठीक है। और सनशाइन उसकी पूंछ फिर से पकड़ लेती है और इस बार जैसे पकड़ती है तो जो येन है उसकी तो बॉडी पूरी तरीके से हिल जाती है और ये बहुत ही ज्यादा एकदम लाजवाब लग रही होती है। और तभी हमें सनशाइन को दिखाया जाता है और खुद से ही बोल रही होती है, डैम ये सब बहुत ज्यादा गलत है जो मैं अभी कर रही हूँ, ये कुछ ऐसे कारण है जिसके लिए मुझे करना पड़ रहा है। और उसकी पूंछ पकड़े रखी है और बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और बोलती है, ये सब करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद ना लगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे हमेशा कर सकती हूँ, इसकी पूंछ पकड़कर।
इससे ऐसी ऐसी हरकतें करवाना, एकदम ठरक जागने वाली इसकी। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, ऐसा बोलती है। तभी जिया है, वो यिन से बोलता है कि अब क्या, अब तुमने अपना माइंड बदल लिया है या नहीं बदला है। तभी यिन को दिखा देता है, यिन की जो अंदर की जो ठड़क है वो जाग अंदर से निकल रही होती है। वो पूछ बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी और उसके मुंह से धुआं भी निकलने लगता है, गर्मी छा रही होती है उसके ऊपर, उसका पूरा पूरा चेहरा लाल पड़ा हुआ होता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सनशाइन और जिया इस यिन को डीमन जैसे लग रहे होते हैं, और ये देख कर यिन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो रोने लगती है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिन एग्री हो जाती है, उसको फोन उसे दे देती है और यिन अलग ही दूर पड़ी हुई होती है अपने कंट्रोल, अपने हार्मोन्स कंट्रोल करने के लिए। और तभी हमें दिखा जाता है जिया और सनशाइन को, उन्हें उनका मोबाइल मिल जाता है और तभी सनशाइन जिया से बोलती है कि तुम श्योर हो ये सब करना ठीक रहेगा। और तभी जिया उससे बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब तैयारियां कर रखी हैं। और तभी उससे बोलता है कि जब तक ये वीडियो हमारे पास है तब तक ये बंदा हमारे लिए आगे चलकर परेशानियां खड़ी नहीं करेगा, और मोबाइल पकड़ा हुआ होता है। तभी सनशाइन उससे झटके से मोबाइल छुड़ा लेती है और उससे मोबाइल लेने के बाद जो वीडियो उसने रिकॉर्ड की होती है वो डिलीट कर देती है। तभी जिया भड़क जाता है, उस पर चिल्लाते हुए बोलता है अभी अभी तुमने क्या किया बेवकूफ कहीं की। तभी सनशाइन जिया से बोलती है ये काफी है, बहुत हुआ ये सब, अब हमारा जो इशू है वो सॉल्व हो चुका है, तो अब इस वीडियो की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से डिलीट कर दो और उसे यहाँ से जाने दो। और सीधा जाकर सनशाइन इनको उसका फोन वापस दे देती है वीडियो डिलीट कर मतलब फोटो डिलीट करने के बाद, और वीडियो डिलीट करने के बाद, और उससे फोटो डिलीट मतलब वीडियो डिलीट करने के बाद बोलती है कि मैंने तुम्हारी जो वीडियो बनाई थी वो डिलीट कर दी है, और उससे माफी मांगती है हमें माफ कर देना कि हमने तुम्हारे साथ ये सब किया है, और बोलती है हमारे पास कोई चारा नहीं था और जो मैटर था वो बहुत ज्यादा कठिन था, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था हम दोनों के लिए, मुझे लगता है कि तुम हमारी बातों को समझ जाओगे। और उससे तभी सनशाइन उससे बोलती है मुझे माफ कर देना, मेरा ऐसा कुछ भी करने कोई इरादा भी नहीं था जिससे कि तुम ऐसी हो जाओ। तभी हमें लिन को दिखा जाता है, लिन मासूम का चेहरा बना रही होती है और उसका फेस पूरा रेड हुआ होता है, वो सनशाइन को घूर रही होती है। तभी सनशाइन उससे बोलती है हमने तुम्हारे साथ किया है उसके कंपनसेशन में, अगर फ्यूचर में तुम किसी तरह की डिफिकल्टी या परेशानी का सामना करती हो या तुम्हारी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती है तो मुझे तुम्हारी मदद करने देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी उसी समय। आखिरकार हम ह्यूमन वर्ल्ड में जो एक साथ रह रहे हैं तो हम लोग पार्टनर हैं, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चलो अब से हम एक साथ रहते हैं। और ये सुनकर जो यिन है उसकी आंखों से तो आंसू आ जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और तभी यिन है वो सनशाइन से बोलती है कि मुझे भी ये ऐसे ही रहना है, और उससे बोलती है मुझे माफ कर देना मैं इतनी ज्यादा सेल्फिश हो गई थी, और मन में बोलती है कि लड़की बहुत ज्यादा नाइस है अच्छी है, और एक नई पोस्ट अपलोड कर देता है। उसमें पोस्ट में एक अजीब सी डक को दिखाया जाता है उसमें, और एक एंजल की ड्रेस में उसे दिखा फोटो खींच कर भेज देता है एडिट करके, और बोलता है कि गैस करो जो इस फोटो का ओनर है, जो इसने इसी चीज पहनी हुई है उसका सच्चाई का पता लग चुका है, जो कि एक पेट कॉस्ट्यूम थी। और गाइस यहीं पर हमारी एपिसोड फोटो खत्म होती है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।